अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पलकी, तुम सच में एक परफेक्ट बहू बनोगी। सिर्फ राजवीर और सृष्टि का ख्याल नहीं रखोगी, घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आओगी, रौनक लेकर आओगी, लक्ष्मी बन जाओगी घर की। मैं जो करने आई हूं ना यहाँ, बिल्कुल सही करने आई हूं। अरे पलकी, रुक क्यों गई? चाय देना। अरे रजवीर बेटा, अरे ये प्रीता जी है ना, तुम्हारी मासी। बहुत अच्छे समय पे आए आप लोग। जी नमस्ते। नमस्ते। और मैं हूँ ना पलकी और माही की मम्मी। वैसे तो मैं मम्मी लगती नहीं हूँ, लगती है ना बिल्कुल बड़ी बहन। आज भी एकदम गोरी चिट्टी, प्यारी, प्यार भरी चिट्टी, एकदम मॉडल शॉर्टल की तरह। हे भगवान, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आइए आइए, अंदर आइए ना आप लोग। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, लेकिन ना हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। कोई बात नहीं, आप इन्हें अटेंड कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे, हमारी तो घर की बात। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए, बहुत अच्छे मौके पर आए आप लोग। पुराना जी, कुर्सियाँ उर्सियाँ लगाइए ना। हम एक मिनट। अच्छा पलकी, जानती है प्रीता जी, अगर खुशी के मौके पर चार लोग ज्यादा आ जाए तो खुशियां दुगनी हो जाती है कि नहीं जी? चलिए मैं सबका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है केतन बंसल, वो बड्डे वाले फिल्म डायरेक्टर, आपने नाम तो सुना होगा। हाँ जी, केतन बंसल। हाँ वही। ये उनकी मम्मी जी है जसप्रीत बंसल, और ये है उनके पापा जी परमजीत बंसल। हाँ जी। वो क्या है कि ना, एक साल पहले हमने केतन को अपनी पलकी के लिए पसंद कर लिया था। फिर हुआ यूं, केतन चला गया बाहर अपनी पढ़ाई करने के लिए, वो पिक्चर बनाने की, क्या बोलते हैं माही बताना? हाँ, फिल्म मेकिंग। हाँ वही तो, फिल्म मेकिंग करने के लिए। और हमारी पलकी चली गई मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। अब एक साल के बाद दोनों जब वापस आए हैं तो हमने सोचा कि हमने जो बात चलाई थी उसे रस्म और रिवाज के साथ पूरा कर देते हैं, है कि नहीं? जी, बस वही है। तो आप तो बड़े शुभ मुहूर्त पे आए हो, बहुत ही खुशियों वाला दिन है, और खुशियों के टाइम पर जितने ज्यादा लोग हो उतने ही अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल। बल्कि बेटा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। हाँ जा भाई, उठना वहां से, बैठने दे पलकी को। ये केतन अब फिल्म मेकर बन गया है, इसके सामने जितने भी बेस्ट लुक दूंगी उतनी जल्दी मुझे अपनी फिल्म में लेगा। हाँ एक काम करती हूँ, बेस्ट लुक देती हूँ। कम ऑन माही। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो आपको पलकी पहले मिल गई।
मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमें मिल जाती तो मैं तो अपने राजवीर की शादी पलकी से करा देती। क्योंकि पलकी है ही इतनी अच्छी। बहुत ही प्यारी लड़की है। पर वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला लिखता है। जिन लोगों को नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलते, और जिन लोगों को मिलना होता है, जिनकी किस्मत साथ में लिखी होती है, वो कभी ना कभी जरूर मिल जाते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही कहा आपने, जोड़ियां तो आसमान से बन के आती है। अच्छी बात है, आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं सारी तैयारियों में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। पलकी से प्यार ही इतना करती हूँ, बेटी जैसी लगती है मुझे अपनी। तो मैं भी सारी तैयारियों में हेल्प करूंगी। और ये वैसे शादी कब की है? दलजीत बहन जी, हम यही तो पूछने आए थे कि अगर परसों का दिन ठीक लगे तो इनकी सगाई कर लेते। वैसे ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है भाई। बस छोटी सी सगाई। लेकिन इतनी जल्दी हम कैसी बातें करें बहन जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन दी। रिश्ता पक्का समझो, मिठाइयां खाओ। बधाइयां हो जी, बधाइयां बधाइयां। चलो जी मुंह मीठा कर लो, ये लीजिए मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। अरे कुराना साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए, लेकिन पहले गले के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।